नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। बुधवार को नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 85 पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची बांटी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि उपचुनाव प्रभारी आलोक शर्मा पूर्व महापौर भोपाल के साथ भाजपा मंडल के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम बुधवार को प्रातः 11:30 बजे से शुरू हुआ और मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण अतिथियों सहित हितग्राहियों ने सुना और देखा। आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा उत्सव और आनंद का दिन था। जिले में भी पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण किया गया था। इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के समन्वय भवन से किया गया और हितग्राहियों से चर्चा भी की। खास बात तो यह दिखाई दी कि खाद्य सामग्री लेने वालों की भीड़ नगर परिषद के अधिकारियों के सामने सोशल डिस्टेंस का नियम का उल्लंघन करती रही और नगर परिषद देखता रहा, जबकि सड़कों पर कोई बिना मास्क के दिखाई दे जाए तो चालानी कार्रवाई हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान बिना मास्क के लाभार्थी बैठे रहे, क्या यह सिर्फ मात्र औपचारिकता ही है? इस अन्नपूर्णा योजना में लाभार्थियों को दिए जाने वाले खाद्यान्न सामग्री के बारे में मुंगावली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रभारी आलोक शर्मा पूर्व महापौर भाजपा से पूछा कि इस कार्यक्रम का जब भोपाल से लाइव प्रसारण हुआ तो क्षेत्र की मीडिया को जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि जिले स्तर पर अवगत कराया गया तो कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि इस शासकीय कार्यक्रम की जानकारी नगरपालिका के अधिकारियों को देना चाहिए थी। अगर क्षेत्रीय मीडिया को जानकारी नहीं दी है तो यह गलत है। शर्मा ने कहा कि हम नगरपालिका अधिकारी से इस संबंध में बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुंगावली के हितग्राहियों को बांटी गई खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। गेहूं में राई की मिलावट थी, चना काफ़ी पुराना था जिसमें बदबू आ रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि लाभार्थी इस खाद्यान्न को खाकर बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं। आज सर ये मुंगावली में प्रोग्राम हुआ है अन्नपूर्णा का, तो इसकी सर मीडिया को भी जानकारी नहीं थी और काफ़ी लोगों को नहीं थी, इसके संबंध में क्या कहना है? ये कार्यक्रम शास्त्रीय कार्यक्रम और इसकी जानकारी मुझे लगता है नगर पालिका अधिकारी को देना चाहिए। अगर जानकारी दी, अगर उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है तो गलत है। इसके लिए हम नगर पालिका अधिकारी से भी बातचीत करेंगे। जबकि वो तो कह रहे हैं खाद्यान्न विभाग को बुलाना चाहिए था मीडिया के लिए। नहीं, ये कार्यक्रम हुआ है, नगर पालिका की भी उतनी जवाबदारी बनती है और खाद्य विभाग की भी उतनी जवाबदारी बनती है। क्योंकि ये लाइव प्रसारण था, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का मीडिया चौथा स्तंभ है और उसको भी अगर जानकारी देते तो बेहतर होता और भविष्य में इसकी प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी। देखिए, ये बताओ, ये खाद्य विभाग की योजना है जिसके अंतर्गत ये अन्य योजना के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे जो प्रदेश में जो पात्रता पर्ची, नवीन पात्रता पर्ची का जो जारी हुई है, उन लोगों को पात्रता पर्ची भी जारी की गई है एवं अन्न के जो पैकेट बांटे गए हैं। इस अंतर्गत नगर परिषद मुंगावली क्षेत्र में ये फूड विभाग की योजना है और चूँकि फूड ऑफिसर वहाँ पे जिले के कार्यक्रम में गए तो नगर परिषद द्वारा ये आयोजित किया गया। 85 पर्चियाँ अपनी यहाँ पे नगर परिषद मुंगावली में जारी हुई है। 85 लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम उद्बोधन को दिखाया और उनको सब पर्ची एवं सामग्री वितरित की। सर, जो खाद्य विभाग की जो आपने सामग्री वितरित की है उसमें घुने हुए खाद्य सामग्री भी पाई गई है, क्या आपने उसकी जांच की? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये खाद्य विभाग की योजना है। आप जैसे कह रहे हैं कि गेहूं में भी राई मिली है सर, गेहूं में जैसे आप मिली है, तो ये चीज़ मैं अपने फूड इंस्पेक्टर को बताऊंगा, बाकायदा अपन जांच होगी। और ठीक है सर, यहाँ पर सर 85 लोग ही पात्र पर्ची लाग रहा है मेरे, मैं आपको पहले टोटल कितनी पर्ची यहाँ पे खाद्य विभाग सिर्फ 85 नवीन पर्ची, एक पुरानी और टोटल मिला के, टोटल मिला के अभी नहीं, उसमें कुछ कैंसिल भी हुई थी, तो ये जानकारी आपको फूड इंस्पेक्टर दे देंगे आपको। और अभी कितने माह का राशन दिया गया है?
इसमें अभी एक लेख आ गई है वाला, मुझे तो क्या इसमें ये पुराने बीपीएल कार्ड भी राशन कार्ड ही सम्मिलित रहेगा इस राशन पर्ची में? मैं आपको ये बताऊँ, ये खाद्य विभाग की योजना है, आपको ज़्यादा जानकारी खाद्य विभाग वाले बता सकते हैं। हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, कोई खाद्य अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं था? नहीं, खाद्य अधिकारी को आज चूंकि जिले में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा आयोजन है, माननीय मंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि हैं, तो उसमें उनको हितग्राही लेके बोल गए हैं। वहाँ पर जो भुना हुआ राशन यहाँ पाया गया है, क्या आप किस खाद्य अधिकारी से करेंगे, आप बता रहे हैं? इसकी बिल्कुल मैं आपके माध्यम से जो आपकी शिकायतें प्राप्त हुई है उसकी मैं जानकारी बिल्कुल लिखित में दूंगा उनको। चूँकि प्रोग्राम नगर परिषद के माध्यम से रखा गया था, इसके पहले कुछ चेक नहीं किया गया था? नहीं, ये हमको सिर्फ हितग्राहियों नगर परिषद को सिर्फ हितग्राहियों को आमंत्रित करना था। खाद्य विभाग द्वारा ये जो आवंटन जो हुआ है खाद्य सामग्री का, वो खाद्य विभाग द्वारा किया गया। नगर परिषद चूंकि नगरीय क्षेत्र में निवासरत है, तो हितग्राहियों को हमने आमंत्रित किया था। और कुछ हितग्राही जो अभी भी फिर रहे हैं, कैसे पत्र पर्ची मतलब सम्मेलन किया गया? शासन द्वारा जारी हुई है, इसकी जानकारी नगर परिषद से कोई जानकारी नहीं जोड़ी गई उसमें? नगर परिषद से। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से संदीप राठौर की रिपोर्ट।